सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने लगे आप अपने नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में कैसे आप आईफोन का इंस्टाग्राम कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप चला सकते हो। और इस वाले इंस्टाग्राम में आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जो कि आईफोन वाले इंस्टाग्राम में मिलते हैं। आप इसमें आईफोन के इमोजी यूज कर सकते हो, आप इसमें आईफोन का फॉन्ट यूज कर सकते हो। और गाइस आप यहाँ पे अपनी किसी भी स्टोरी को और अपने किसी भी रील को गाइस बिल्कुल फुल HD में फुल रेजोल्यूशन में आप अपलोड भी कर सकते हो। ऐसे आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाली इस वाले इंस्टाग्राम के अंदर। ऐसे इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे अगर आप किसी के मैसेज का फिर आप किसी की स्टोरी को सीन कर लेते हो तो वैसे सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी स्टोरी या फिर आपने उसका मैसेज सीन किया है। वैसे आपको बहुत सारे और भी फीचर मिलने वाले हैं जो कि आईफोन के इंस्टाग्राम में एक्चुअल में मिलते हैं। और इस वाले इंस्टाग्राम को बहुत इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो और गाइस आपको वीडियो में आगे बता भी दूंगा, ठीक है। पर गाइस आपको ये यूज कैसे करना है वो सबसे मेन चीज है, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखना। और गाइस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि अब से पहले गाइस यूट्यूब पर कुछ इस टाइप की वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। गाइस सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है गाइस, क्रोम ब्राउजर को, ठीक है। तो गाइस यहां से जाएंगे और यहां से करेंगे ओपन। सो गाइस यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पे टाइप करना है रेड साइडर, ठीक है, रेड साइडर। तो मैं आपको गाइस यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। गाइस आपको इतना टाइप करना है, देन आपको पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस देखो आपको पे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है, रेड साइड वाली इस पे। तो गाइस इस पे क्लिक करेंगे, गाइस बिल्कुल ध्यान से देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। सो गाइस देखो आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस आपको एक ऑप्शन देख रहा सर्च वाला, ठीक है, सबसे ऊपर। तो गाइस आपको बस इस पे एक बार क्लिक करना है, गाइस एक बार ही क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइस देखो आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, थोड़ा यहाँ पर मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लैग सा हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस देखो आपको यहाँ पे टाइप करना है आईफोन, ठीक है, आईफोन। सो गाइस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और गाइस आपको यहाँ पे एक आर्टिकल देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेना, आपको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, हाउ टू चेंज इमोजी स्टाइल इन इंस्टाग्राम। गाइस आपको यहाँ पे इस वाले आर्टिकल पे क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले आर्टिकल पे। तो गाइस इस पे क्लिक करेंगे, गाइस यहाँ पे लिंक है, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से कर देना है क्लोज। तो यहाँ पे थोड़ा आपको एड देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ से क्लोज कर देना। सो आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, ठीक है। और गाइस देखो मेरे यहाँ पे डाटा काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो गाइस आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है एंड आपको यहाँ पे एक डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। गाइस आपको इस पे क्लिक करना है, सो इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, गाइस यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा डाटा बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। सो गाइस देखो आपके सामने यहाँ पे दूसरा पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, गाइस आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और गाइस देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड वाला, ठीक है। गाइस बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और जाना है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, ठीक है, आपको बस इस पे एक बार क्लिक करना है। तो वो गाइस इस पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पे ऐड को कर देना है यहाँ से कट, ठीक है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सबका पे फिर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। और गाइस देखो आपका पे डाउनलोड iOS इंस्टाग्राम ऐप, ठीक है, गाइस आपका पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना, आप यहाँ पे देख ही सकते हो इस वाले पे। सो गाइस जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो चुका है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो जैसे यहाँ से डिटेल वाला ऑप्शन में जाएंगे और गाइस देखो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड होता आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस देखो मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। गाइस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो। और गाइस देखो आप कहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद गाइस आपको पे इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, देखो वो बिल्कुल ध्यान से देखना। गाइस आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है, ठीक है, फाइल मैनेजर को। सो गाइस फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है और गाइस आप यहाँ से जो ऐप को डाउनलोड करोगे गाइस आपको पे बिल्कुल ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। गाइस आपको फाइल मैनेजर के अंदर आके आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा वहाँ से अगर मैं बाहर से कर रहा था तो गाइस वहाँ से मेरा हुआ नहीं था। तो गाइस आपको फाइल मैनेजर के अंदर आना है, तब आपको वहाँ से इंस्टॉल करना है। और गाइस देखो आपको यूज कैसे करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे वो बताता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम को कर लेते हैं ओपन। सो गाइस आपके फोन में दो इंस्टाग्राम होने वाले, एक प्ले स्टोर वाला और गाइस एक आईफोन वाला, ठीक है। तो गाइस जैसे ऐसे कर लेते हैं ओपन और गाइस ऐसे अपडेट मांग रहा है, ठीक है, तो ऐसे अपडेट इसे कर लेते हैं। सो गाइस देखो क्या करना है, गाइस जैसे आप यहाँ पे स्टोरी लगाओगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइस आप स्टोरी वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। गाइस आपको यहाँ पे जितने भी फॉन्ट और गाइस आपको यहाँ पे जितने इमोजी मिलते हैं गाइस सारे के सारे आपको यहाँ पे आईफोन वाले मिलने वाले हैं, आप कैसे यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। गाइस आप ये आईफोन वाले इमोजी हैं आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप बहुत ही इजीली गाइस आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, गाइस बहुत ही इजीली गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो। गाइस यहाँ पे सारे के सारे आईफोन वाले इमोजी हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सो गाइस आपको यहाँ पे आईफोन वाले इमोजी मिल चुके हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और गाइस देखो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं,
सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से करते हैं इसे बैक और यहाँ से करेंगे डिस्कार्ड, ठीक है। सो गाइस करना क्या है, देखो आपको यहाँ से गाइस बैक करना है, ठीक है। तो यहाँ से बैक करेंगे और आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन क्लिक करना है एंड आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और गाइस देखो आपको यहाँ पे ये मिल जाता है इंस्टॉल एंड सेटिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा घोस्ट मोड वाला, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो बस अगर आप यहाँ पे इस वाला ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो बस आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे सामने वाले बंदों को पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो बस सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी स्टोरी को सीन कर लिया, गैस आपका और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ईजिली देख सकते हो, तो बस आप यहाँ पे इस बहुत ईजिली इसका यूज कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो इसके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच जरूर कर देना ताकि आगे भी आपको इस टाइप की वीडियो मिलते रहे। और इस वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना।